लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए विंटर्स में सर्दियों में जिससे हमारे शरीर को अंदर से गर्माहट मिले आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जब भी हम ठंड में मार्केट में जाते हैं स्पेशली इन फल या सब्ज़ी मंडी में तो हमें रंग बिरंगी सब्जियाँ फल फूल दिखते हैं तो सिर्फ आप उसे देखने का काम ना करें उसमें कौन सी ऐसी सब्जियां और फल फूल हैं जो हमें ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि हर सीज़न की अपनी एक, एक स्पेशलिटी होती है हर सीज़न के फल जो होते हैं उसमें अलग अलग गुड़ होते हैं जो आपके शरीर को और हेल्दी बनाते हैं और वो सारी चीज़ें अगर हमें हमें खुद लोकल मार्केट में अपने आस मिल जानी है तो हम उसका सेवन क्यों ना करें आज का ये वीडियो है कि क्या हम ऐसा खाएं जो सर्दियों में हमारे इम्यून सिस्टम को हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे सो हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ डॉक्टर प्रीति सिंह और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ठंड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं करेक्टली हमें पता नहीं होता है कि क्या ऐसा खाएं जो हमारी बॉडी को वॉम मतलब गर्मी दे तो उसमें सबसे पहला आता है नट्स ड्राई फ्रूट्स सिंगल और बेस्ड डॉक्टर रंजनी रमन है जो हमें बताती है कि विंटर्स व्हेन आर बॉडी नेचुरली क्रेव्स फॉर द फूड सर्दियों में हमें नेचुरली क्रेविंग होती है ऐसे खाना खाने की जो हमारी बॉडी को गर्माहट दे उसमें से ड्राई फ्रूट्स एक है ड्राई फ्रूट्स में क्या होता है फैट सॉलेबल विटामिन होते हैं वाइटमिन ई e होता है और ये नेचुरली हमारी बॉडी को गर्माहट देता है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें कोल्ड होने से बचाता है अपने खाने में सुबह के टाइम आप जब भी पानी वगैरह पी लेते हो तो फर्स्ट okay. के टाइम आप हैंडफुल नट्स आप जरूर खाएं ड्राई फ्रूट्स जरूर खाएं आता है गाजर गाजर में सबसे ज्यादा कैरोटीन पाया जाता है इसमें विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी एंड विटामिन ई e होता है गाजर में फाइबर्स बहुत होते हैं आप उसे चाहो तो चबाकर खाओ चबाकर खाने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है और साथ में आप अगर नहीं चबाना चाहते हो तो उसका जूस भी बनाकर पी सकते हो जो बहुत ही हेल्दी होता है थर्ड आता है चुकंदर चुकंदर जो होता है नेचुरल शुगर होता है स्किन को हेल्दी बनाता है आपको आपके हेयर को हेल्दी बनाता है एंड ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो भी एनिमिक होते हैं या एनीमिया की कमी होती है उसे चुकंदर जरूर खाना चाहिए जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको चुकंदर उनके लिए एडवाइजेबल होता है क्योंकि वो साथ मदर के लिए साथ साथ बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बोन मैरो को बनने में हेल्प करता है इसमें सोडियम पोटेशियम फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसमें प्रोटीन और फैट ये सब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं जो अगर आप रॉ खाते हो चबा चबा के खाते हो तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही चुस्त और दुरुस्त रखते हैं और आता है पालक विंटर्स में बहुत ज्यादा हेल्दी होता है पालक का जूस बना के पी सकते हैं पालक पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है इसमें विटामिन के विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और इसके साथ साथ आयरन भी इसमें प्रेजेंट होता है जो खून की कमी को दूर करता है आपके शरीर में खून बढ़ाता है लास्ट आता है मूली मूली का नाम सुनते ही सब लोग बहुत ही गंदा सा फेस बनाते हैं क्योंकि इसको खाने से मुंह से थोड़ी सी बदबू सी आती है तो मूली बहुत कम लोगों को खाना पसंद है चाइनीज़ अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए मूली को किसी वरदान से कम नहीं मानते हैं मूली में मैग्नीशियम आयरन कॉपर एंड कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है साथ ही साथ ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है तो अगर आप सैलड में मूली खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है नेक्स्ट आता है ऑरेंजेस मतलब विटामिन सी ऑरेंजेस एंड आंवला सबसे ज्यादा विटामिन सी जो होता है वो आंवले में प्रेजेंट होता है और अगर आप ठंड में इसका सेवन करते हैं या जूस बना के पीते हैं ऑरेंज जूस या आंवले का जूस चाहो तो आंवले का मुरब्बा बना के भी खा सकते हो जिसको भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है आपको कोल्ड एंड फ्लू से बचाएगा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा शॉर्ट में आप प्लीज मुझे जरूर बताएं अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें